वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन शॉर्ट एंड की? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं हूं यहाँ पर। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर कमेंट को रिजॉल्व करूंगी। ठीक है, अभी आज जो सेक्शन चल रहा है, मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि कुछ एडवांस आउटलाइन सीरीज आपकी चल रही है, उसी सीरीज में नेक्स्ट स्टेप हम आपके लिए एड कर रहे हैं। ये जो सीरीज है आपकी, ठीक है, इसमें शब्द चिन्हों को कंबाइन करके, कुछ रूल्स को कंबाइन करके हम कुछ एक्स्ट्रा आउटलाइन क्रिएट करते हैं, जिससे कि जब वो पर्टिकुलर वर्ड आएगा तो हम उसको इजीली समझ सकें, उसको इजीली लिख सकें, उसको इजीली पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि आप अभी तक जितना हमने किया है उससे आप समझ गए होंगे कि जब आप शब्द चिन्हों को यूज करते हैं तो शब्द चिन्ह जो होते हैं आपके, वो बहुत ही इजी वे में आपको डिक्टेशन लिखने में हेल्प करते हैं। अभी देखिए, आप अगर एक पूरा की पूरा शब्द, एक एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, जैसे मुझे लिखना है तंदुरुस्त, तो ये मेरा शब्द चिन्ह है। ठीक है, अब इस शब्द चिन्ह को अगर मैं शब्द चिन्ह ना बना के पूरा लिखूं तो देखो तंदुरुस्त, इतना बड़ा शब्द बन जाएगा। और कहां ये एक आउटलाइन से डिफाइन हो गया, तो आप इसकी वैल्यू समझिए कि आपकी एडवांस आउटलाइन एंड आपके जो शब्द चिन्ह है वो आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी शॉर्ट हैंड में। ठीक है, तो प्लीज उनको अच्छे से, उनको उस सेक्शन को अपने स्ट्रांग बनाइए, उसको प्लस पॉइंट मेंटेन कीजिए, ताकि आपकी स्पीड भी ग्रो अप हो और आपको रेस्पॉन्स भी अच्छा मिले। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है एडवांस आउटलाइन का। इस सेक्शन में आप नोटिस करेंगे कि जो पीछे आप शब्द चिन्ह पढ़ चुके हैं, उन शब्द चिन्हों पर इनका बेसिक्स है। ठीक है, वो शब्द चिन्ह आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, उनको लर्न कर चुके हैं और उनको प्रैक्टिस में ले चुके हैं। और अब जितना भी मैं आपको बताऊंगी, ये सब उन्हीं शब्द चिन्हों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगी उस समय पे कौन सा शब्द चिन्ह यूज हो रहा है, इस सेक्शन को भी मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी एडवांस आउटलाइन का वीडियो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द है सर्वसाधारण। ठीक है, देखिए सर्व का भी आपका शब्द चिन्ह है और साधारण का भी आपका शब्द चिन्ह है। तो क्या किया गया है कि इन दोनों शब्द चिन्हों को मर्ज कर दिया गया है, तो आपने लिखा सर्व साधारण इस तरह से। ठीक है, इसके बाद है देखिए सर्व प्रथम, तो सर्व प्रथम शब्द चिन्ह पर ही बन रहे हैं। सर्व का शब्द चिन्ह है, प्रथम की आउटलाइन बना रखी है। ओके, इसके बाद आपका शब्द है जहां तहां, देखिए जहां, ठीक है, और जहां ऑलरेडी आपने ऐसे बनाया था, तहां, ये दोनों आपके शब्द बन चुके हैं। तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे, जहां का शब्द चिन्ह है और तहां का शब्द चिन्ह है, इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद देखिए जब तक, जब का भी बना चुके हैं और तक का भी बना चुके हैं। जब कैसे बनाया था, ये, और इसी में ये तक का सिंबल ऐड किया। ओके, सॉरी, जब का सिंबल लाइन पर आएगा इस तरह से। इसके बाद है आपका देखिए तब तक, तो लाइन काट के तब तक, ये इसमें ऐड हो गया। ओके, इसके बाद देखिए आपका शब्द है अब तक, अब का सिंबल आपने ऊपर से ऐसे बनाया था और ये फ्लो में लेने के लिए तक का डायरेक्शन चेंज किया गया है। ठीक है, शब्द को फ्लो में लेने के लिए, तो इस तरह से बनाइए अब तक। ओके, इसके बाद शब्द है आपका अब तक तो, किस तरह से बनेगा, अब तक तो, दोनों के डायरेक्शंस को चेंज किया गया है फ्लो को डिफाइन करने के लिए। ओके, इसके बाद देखिए इसके बगैर, बगैर वगैरह का भी आपका शब्द चिन्ह यूज हो चुका है। ओके, और इसके का भी, तो इसके बनेगा ऐसे और बगैर, इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। इसके का शब्द चिन्ह है और बगैर का शब्द चिन्ह है, कोई भी अलग से एक नई आउटलाइन नहीं बनी हुई है, बस आउटलाइन को कंबाइन कर दिया गया है और एक नया जो वर्ड है, जो एडवांस आउटलाइन है, उसको डिफाइन कर दिया गया। ठीक है,
इसको नो डाउन कीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट शब्द देखिए आप इसी का, वो था इसके बगैर। अब शब्द है आपका जिसके बगैर, तो जिसके का भी आप स्ट्रोक बना चुके हो, ठीक है। तो कैसे बनाया, जिस जिसके वाला जो शब्द चिन्ह है वो बनाया हमने और ये बगैर ऐड कर दिया इसी में, ठीक है। और देखो जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको पेंसिल लिफ्ट नहीं करनी पड़ी बार बार, एक ही बार में सिंबल को आपने प्रॉपर डिफाइन कर दिया, तो इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तभी तो स्पीड प्रॉपर मेंटेन होगी उसके बगैर। देखिए उसके का शब्द चिन्ह है आपके उसके बगैर, इसको थोड़ा सा लाइन के ऊपर बना दे रही हूं मैं आपको, उसके बगैर इस तरह से, ताकि आपको प्रॉपर सिंबल समझ में आए, ओके। फिर है आपका अभी तक, ये आ के लिए आया क्योंकि भी के लिए आया, प्रनाउन में बता चुकी हूं, और ये तक के लिए आया, ठीक है। तक का बेसिकली आपका जो सिंबल होता है वो इस तरह से बनता है, बट शब्द को फ्लो में लेने के लिए हम उस इंडिकेशन को चेंज कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब लेफ्ट या राइट हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए आपका शब्द है ज्यो का त्यों, तो जॉन ज्यू तौन त्यू, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। कम से कम, ये भी अधिक से अधिक के जैसा ही शब्द है, उसी तरह से डिफाइन होगा। तो देखिए कम का शब्द चिन्ह है से कम, इस तरह से हम इस शब्द को बना सकते हैं, इस शब्द को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आपका आया ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा चीज एकदम इकट्ठा, ये शब्द चिन्ह आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, उसी का क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा, इस तरह से बन रहा है, ओके। रातों रात, रात का शब्द चिन्ह आप बना चुके हैं, ये इसी को डबल कर देंगे, रातों रात दिनों दिन, नेक्स्ट है आपका ठीक है। तो दिनों दिन, दिन का शब्द चिन्ह भी आप बना चुके हैं, हल्का सा डैश लगा के दूसरी आपका बना देंगे, ठीक है। ये जो हमने एक अपोजिट बनाया है वो फ्लो के लिए बनाया है, ताकि शब्द का जो फ्लो है वो प्रॉपर है, ठीक है, वरना आपका हाथ बाउंड हो जाता, आप उसको प्रॉपर बना नहीं सकते थे, ओके। तो इसको देखिए पहले, होप ये चीजें आपके लिए यूजफुल हैं और आपकी शॉर्ट हैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हैंड तभी प्रॉपर लिख पाएंगे जब एडवांस आउटलाइन आप यूज करेंगे और उनको प्रॉपर प्रैक्टिस मिलेंगे। प्रैक्टिस में लेने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इज दैट आप उनको एक्सरसाइज में कन्वर्ट कीजिए, जितना ज्यादा एक्सरसाइजेज में उसको प्रैक्टिस में लेंगे उतनी ही ज्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका एक दिनों दिन बताया था आपको, एक बार फिर से बता रही हूं, और एक बताया है दिन व दिन, ठीक है। तो दिनों दिन के लिए ये सिंबल था, अब दिन व दिन के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा, दिन व दिन इस तरह से, ठीक है। फिर आपका वर्ड आता है कभी कभी, ठीक है, तो कभी ये बना, अब इसी में एक भी और जोड़ देंगे, दोबारा उस स्ट्रोक को बनाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रोक आपके यहाँ पर एडवांस ऑफलाइन का ये सेक्शन कंप्लीट हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस में लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा स्पीड में, क्योंकि आप समझेंगे कि आपकी स्पीड भी ग्रो अप हो रही है, वो
आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो प्लीज स्ट्रोक्स को अच्छे से प्रैक्टिस में लीजिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिसॉल्व करूंगी। और स्ट्रोक्स को प्रॉपर प्रैक्टिस में लेके उसको रेगुलेट कीजिएगा ताकि आपके हाथ के फ्लो में आ जाए। कैसे प्रैक्टिस करनी है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू फॉर दैट। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।